हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं टेक टू सागर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग आके हमारे वेब पेज पे हम लोग कैसे एक इमेज को ऐड कर सकते हैं। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का। आपने अगर वो नहीं देखा तो आई बटन पे है, आप जाके क्लिक कर दो और जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, ऐसा कुछ बेसिक सा मैंने बनाया था। HTML का पेज कैसा आपको दिखेगा और कैसा आपको पता ये रहेगा डिज़ाइन कैसा बनाना है। देखिए यहाँ पे सागर फर्स्ट वेब पेज माई सेंटेंस, तो उसी का कंटिन्यूशन है। आज देखिए इधर है, देखिए इधर है, हम लोगों ने इधर H6 डाला था, तो मैं इसे H1 कर देता हूँ क्योंकि वो सेंटेंस बहुत ही छोटा दिख रहा है। और हम लोग इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इधर लोड करते हैं, देखिए आ गया। तो हम लोग आके अब सेंटेंस और यहाँ पे बॉडी है, तो हम लोग बॉडी के नीचे लिखेंगे हमारा इमेज का नाम। तो हमें पहले एक एंगुलर ब्रैकेट लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा IMG। IMG का फुल फॉर्म होता है इमेज। फिर एक स्पेस दीजिए, स्पेस देने के बाद यहाँ पे SRC। SRC का मतलब होता है सर्च। फिर इक्वल्स टू, उसके बाद दो आके मार्क देना पड़ेगा आपको, दो कोटेशन मार्क देना पड़ेगा। उसके बीच में हम लोग हमारा इमेज का नाम लिखेंगे। तो इमेज के लिए हम लोग हमारे डेस्कटॉप पे देख लेते हैं। देखिए हमारे डेस्कटॉप पे एक desert.jpg नाम का एक फाइल है, तो हम लोग उसे ओपन करेंगे नहीं, हम लोग उसका नाम देख लेते हैं। नाम देखने के बाद हम लोग ओपन करते हैं हमारा नोटपैड और यहाँ पे टाइप करेंगे desert.jpg। उतना ही हो गया। अब हम लोग एक और कोटे ये एंगुलर ब्रैकेट लेके इसे रख देते हैं। रखने के बाद हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक इमेज आ चुका है। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ इसे। देखिए इमेज का कोई भी एक ये नहीं है इसमें, मतलब एक पर्टिकुलर इतना स्पेस होगा, इतना छोटा होगा इमेज, वो नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडिफाई करने के लिए हम लोग इसे फिर से वापस अपने जगह पे ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं JPG होने के बाद आपको वहाँ पे एक और स्पेस देना पड़ेगा। फिर आपको विथ लिखना पड़ेगा, WIDTH। इतना लिखने के बाद आपको आपको एक इक्वल्स टू लेना पड़ेगा, इक्वल टू दो कोटेशन मार्क, बीच में आपको जितना चाहिए उतना आप ये दे सकते हो। मैं यहाँ पे लेता हूँ 200, 200 ले लेता हूँ। विथ विथ इक्वल्स टू 200 मैंने ले लिया। फिर हम लोग हाइट भी देख लेते हैं। पहले मैं विथ का एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको मैं हाइट भी एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाइए, रोटेट कीजिए, देखिए हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। बाकी हम लोग इसका हाइट चेक करते हैं। हाइट के लिए आपको लिखना पड़ेगा HEIGHT, हाइट, उसके बाद इक्वल्स टू दो कोटेशन मार्क, उसके बीच में आपको जितना चाहिए उतना वैल्यूज दे सकते हो। मैं यहाँ पे 500 लेता हूँ। फिर आके मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल यस दबा के सेव। फिर यहाँ पे लोड, देखिए इमेज थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। 500 के बदले मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, करेक्ट एक स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इमेज ऐसे ऐड करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मेटिंग टैग्स और दूसरे कई अलग अलग तरीके का कमेंट इसमें डाल के दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियोस लाता रहता हूँ।